गाड़ी में तीन चीज खराब थी, नोजल प्लस नोजल पंप और टैपेट। क्या दिक्कत है, मतलब टाइट है? इंजन इंजन में भी फर्क पड़ता है। अभी यहाँ का मौसम देखो भाई कैसा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी अभी जस्ट 10:30 बज गए हैं। मिस्त्री साहब अभी को आए हैं कि बस ये सब चेक कर लिए, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या देख गए हैं। जो एक दो सामान है वो गए हैं भाई लेने के लिए, तो अभी लेके आ रहे हैं। तब तक बोले फटाफट भाई बोनट सीट वगैरह हटाओ। तो भाई ये सोने के था ना, और ये लगा के रखा था भाई कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा उठाते हैं, इसके लिए ये सब लगा के रखा था। अभी फटाफट इसको सब हटाते हैं, और हटाने के बाद भाई काम होगा अपना स्टार्ट। ये भाई खुल गया अपना पूरा सिस्टम। ये सब थोड़ा थोड़ा कैसे हैं भाई, और इसको अभी ना सही करेंगे आके जो भी करना होगा। और ये आ चुके हैं भाई अपने मिस्त्री और काम करने के लिए। तो ये भाई साफ़ सफाई कर रहे हैं इसका, और ये लगाएंगे नोजल और पंप। नोजल पंप दोनों चीज़ ये लगाएंगे, अभी फ़िलहाल साफ़ कर रहे हैं। और भाई ये जो आपको खाली खाली दिख रही है ना, ये है टैपिंग, और यहीं से हमारा इंजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये आ गई भाई पहली अपनी नोजल, जो कि ये लगेगी अपने इंजन में। तो कल 6 निकाले थे, तो 6 भाई ये रिपेयर होके साफ़ वगैरह होके आई है, और मशीन भी जो पंप था वो भी साफ़ होके आई है। तो अभी फ़िलहाल पहला लगाएंगे नोजल, तो इस पर ग्रीस लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और ग्रीस लगा के फिर इसके बाद इसको इसके जगह पे फिट करेंगे। और इनका फ़ोन भी आ गया, तो भाई यहाँ पे सेट कर रहे हैं नोजल को, यहाँ पे दबा देंगे और ये बैठ जाएगा। और प्लस भाई पहला लगा रहे हैं, अभी 5 लगाने हैं, 5 नोजल लगते हैं, जो कि ये फायरिंग का काम करता है, जो भाई अपने इंजन को दम देता है, तब जाके भाई इंजन अपना काम करता है और अपने उतना बड़ा ट्राले को भाई खींचता है। ठीक है, तो अभी फटाफट लगवा लेते हैं भाई अपना नोजल, उसके बाद अपना लगेगा पंप, जो कि भाई डीजल देगा नोजल को। अब यहाँ पे भाई अपना पंप लग गया, अब इसको टाइट कर रहे हैं। टाइट करके इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि भाई डीजल इंसुलेटर सब इसी से वर्क करता है। अभी कुछ टाइम पहले एक मिस्त्री गए भाई इसका काम करके, अब आ गए भाई टैपिट वाले, अब इसका टैपिट सेट करेंगे, जो कि यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने घोड़े का जोड़ा टायर होता है उसको उठाओ, फिर सारा सिस्टम ये बोनट वगैरह सब फिर से नीचे डालो, और फिर तब जाके ना भाई ये अपना टैपिट सेट होगा। आ जाओ आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सेट होगा। एक बार फिर से भाई बोनट अपना खोल दिया और बाहर रख दिया। अब ये एक घोड़े का जो जोड़ा का टायर ये होता है जोड़े का, क्योंकि ट्राली में भाई सिंगल टायर होती है, जो कि एक बार आपको दिखा दूं लगे हाथ, ये सिंगल टायर है, ठीक, और ये जोड़े का टायर है। अब इसको उठाना है, तब जाके भाई इसको घुमा घुमा के ना सेट करेंगे। टैपिंग टैपिट भाई बोला जाता है, मैं टैपिंग टैपिंग बोलता हूँ, टैपिट बोला जाता है उसको। अब इसको जैक लगा दिया ऑलरेडी, इसको जैक के मदद से भाई उठाएंगे, और इस छोटा जैक डाल रहे, बड़ी वाली अपने को रॉड लानी पड़ेगी तामी, और जब उसको भी लाते हैं उससे उठाएंगे भाई, आसानी से उठेगा, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना जोर लगेगा। भाई यार निकल गया, निकल गया। ये होती है रोड, भाई नहीं दिख रही ना, ये निकल गई भाई, ये रोड होती है पूरे लोहे की। मैं कंपनी से इसको नया लाया था, यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या लिखी है, मिलती जलती पैकिंग। अब इसको लगाएंगे इस तरह से, इसको
ये उड़ गया भाई अपना टायर, एक बार चेक करो। अभी हैंड ब्रेक डाल के रखा हूँ, इसके लिए अभी घूमेगा नहीं। हैंड ब्रेक हटाने के बाद ना ये पूरा फ्री हो जाएगा। ये आ गए हमारे मिस्त्री जी टैपिड वाले, जो कि टैपिड मिलाएंगे। तो यहाँ पे भाई एक एक करके ना टायर घुमाने पड़ रहे हैं, और तब जाके ये उस्ताद जी मिला रहे हैं टैपिंग। भाई टायर गियर में घुमाने पड़ रहे हैं, वो भी यार हालत पंचर हो जा रही है, इस पर ग्रिप नहीं बन रहा है। और यहाँ पे हमारी लास्ट टैपिंग मिल गई। और उस्ताद ये जो टाइट है और कोई कोई ढीला देख रहा हूँ, इनमें फ़र्क क्या होता है, क्या दिक्कत है? मतलब जो टाइट है इंजन में भी फ़र्क पड़ता है, इंजन गर्म होने लगती है, माइलेज नहीं देती है, खिंचाई में कमी होती है। तो टैपिट बराबर होना चाहिए ना, ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट, एकदम नॉर्मल होने चाहिए बराबर। हाँ, जैसे ये बहुत 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 टाइट था, ये बड़ा वाला चिड़िया टाइट था और छोटा वाला चिड़िया लूज था, और सब में इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। यही चीज़ मिलाया जाता है बराबर, मतलब एकदम मीडियम में होना चाहिए ना टाइट और ना ही लूज। इसके लिए भाई मैं आज 8 महीने से चला रहा हूँ, इसके लिए मैं परेशान था भाई। अब ये पर्दे हटा लेता हूँ क्योंकि यार मुंह पे आ रहे हैं। इसके लिए मैं ना 8 महीने से परेशान था, गाड़ी बराबर हमारी एवरेज नहीं दे रही थी, जहाँ की आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, ये कमी आ रही है, वो कमी आ रही है, तो ये दिक्कत थी। जहाँ तक कि ये मिस्त्री साहब हैं जो कि आज आके ये टाइपिंग हमारे सही कर रहे हैं, तो इसके लिए भाई डीजल उठाती है जब बराबर होता नहीं है। क्या इसमें दिक्कत आती है आपको बता ही दिए, तो अभी आप सही चलेगी गाड़ी? अब सही चलेगी, अब चलाने के बाद आपको बताइएगा कैसी चल रही है। अच्छा, टैपेट भी सेट होनी चाहिए गाड़ी की। हाँ, ऐसा नहीं कि टैपेट कभी दिखवाया नहीं, या हर दम दिखवाना भी नहीं चाहिए हर जगह। अच्छा अच्छा, हर जगह ये टैपेट सेट भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो मैं भी सुना हूँ कि टैपेट का कोई ज़्यादा करके सेट भी नहीं कर पाता, अगर कोई छेड़ भी देता है ज़्यादा, तो इसके लिए मैं कहीं पर दिखाया भी नहीं आज जहाँ तक कि मैं गाड़ी को छेड़वाना भी नहीं चाहिए टैपेट, मतलब। हाँ, मैं जहाँ तक कि जो भी काम होता है तो कंपनी द्वारा पूछ के ही करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी 5 दिन से खड़ा हूँ, तो बोला तो यहाँ पे बोले कि ठीक है करवा देता हूँ, तो आज वही नोजल और ये पंप का काम किए, अभी आप आके टैपिंग मिला रहे हो। तो ये लगभग मैं 8 महीने से परेशान हूँ इसको लेके, अभी आप काम कर रहे हो, देखता हूँ कैसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख के बताइए। ठीक है, एकदम सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम था इसमें भी, प्रॉब्लम था टैपेट में प्रॉब्लम था। अपनी गाड़ी में 3 चीज़ खराब थी, नोजल प्लस नोजल पंप और टैपेट। तो भाई नोजल का भी काम हो गया है और नोजल पंप का भी काम हो गया है, और टैपेट में भाई टैपेट हमारी ढीली थी, तो टैपेट ढीली थी भाई, इसको कसे कसे और आपको साथ साथ में बताइए भी क्या दिक्कत होती है क्या नहीं। ठीक, तो भाई अभी फ़िलहाल गाड़ी का काम ओके हो गया। यहाँ पे एक बार और भाई रोड पे निकलने के बाद पता चलेगा कि गाड़ी अपनी कैसी चल रही है। अच्छी खासी एवरेज देगी तो ठीक है, नहीं अच्छी अच्छी खासी एवरेज देगी तो भाई फिर काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऐसे ही चलने दो। ठीक, क्योंकि भाई इसका सारा काम हो गया, पुणे में भी एक बार काम कराया था, प्लस दिल्ली में भी एक बार काम हुआ था, और तीसरी बार भाई रुद्रपुर में। अभी देखते हैं क्या एवरेज निकालती है।